व्यूवर्स, हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्विच्छे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बन्धवः। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। शीतलन नामक जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। बरगद की बड़ी बड़ी शाखाएं और मजबूत जड़ें थीं। उसी पुराने बरगद के पेड़ पर एक गौरैया घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। गौरैया रोज सुबह बच्चों और स्वयं के लिए दाना पानी का इंतजाम करने के लिए निकल जाती और शाम को सूरज डूबने से पहले अपने घोंसले में लौट आती थी। उसकी नित्य की यही दिनचर्या थी। उसी बरगद की जड़ों के पास चींटियों की भी एक कॉलोनी थी, जिसमें रानी चींटी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। गौरैया और चींटी परस्पर मित्र व एक दूसरे के पड़ोसी थे तथा सुख दुख में सदा ही एक दूसरे का साथ देते थे। एक बार की बात है, गौरैया हर रोज की तरह दाना लेने के लिए घोंसले से बाहर गई हुई थी, पर लौटते समय मौसम खराब होने व बहुत तेज बारिश होने की वजह से वह अपने घोंसले में लौट नहीं पाती और बीच रास्ते में ही फंस जाती है। इधर गौरैया के बच्चे भूख व अपनी माँ के ना लौटने की वजह से बहुत व्याकुल और परेशान होकर जोर जोर से रोने लगते हैं। रानी चींटी ने जब बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उनके पास जाकर रोने का कारण पूछा। बच्चों ने बताया, रानी चींटी, हम लोगों की माँ अभी तक लौट कर वापस नहीं आई है। हमें बहुत डर लग रहा है, अगर माँ को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अरे बच्चों, तुम परेशान मत हो। पहले यह बताओ कि तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया है या भूखे ही हो। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और माँ अभी तक लौट कर नहीं आई है। रानी चींटी बच्चों की बात सुनकर सबसे पहले उनके लिए दाना मंगवा कर देती है और फिर बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम लोग अब अपने घोंसले में आराम करो और कहीं बाहर मत जाना, और तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक होंगी क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है और बारिश होने की वजह से हो सकता है वह रास्ते में कहीं रुक गई हो, और जैसे ही मौसम ठीक होगा वह वापस जरूर लौट कर आएगी। रानी चींटी की बात सुनकर बच्चों को थोड़ी तसल्ली होती है और वह आराम से घोंसले में सो जाते हैं। दूसरी सुबह फिर वह अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अभी भी मौसम खराब ही होता है जिसकी वजह से गौरैया वापस लौट नहीं पाती और एक दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। रानी चींटी अभी भी बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, उनके खाने पीने की चीज़ें लाकर देती है और सुरक्षा के लिए हमेशा वहाँ पर 4 या 5 सैनिक चींटियाँ लगा देती है। तीसरे दिन सुबह सुबह रानी चींटी देखती है कि गौरैया बहुत जल्दी जल्दी उड़कर अपने घोंसले की तरफ आ रही होती है और वह रो भी रही होती है। जैसे ही गौरैया अपने घोंसले में पहुंचती है, वह अपने बच्चों को सकुशल और
हंसता खेलता देखकर बहुत खुश होती है। बच्चे भी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गौरैया बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं 2 दिनों तक वापस नहीं आई ना, तुम लोग ठीक से तो हो? हाँ माँ, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि रानी चींटी ने हम लोगों का बहुत ध्यान रखा। जब तुम नहीं थी तो उन्होंने ही हमें बताया कि मौसम खराब होने की वजह से तुम शायद कहीं फंस गई हो और वापस जरूर लौट कर आओगी, और हमारे लिए खाने का भी इंतजाम किया। बच्चों की बात सुनकर गौरैया बहुत खुश होती है और रानी चींटी के पास जाकर बोलती है, रानी तुमने मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो किया है उसे मैं जीवन भर याद रखूंगी, और अगर तुम्हें भी कभी किसी मदद की जरूरत हुई तो मैं जरूर करूंगी। बहन, हम दोनों तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पर पड़ोसी धर्म के नाते एक दूसरे का साथ देना और मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंतित ना हो और अपने बच्चों के पास जाकर समय बिताओ, क्योंकि 2 दिनों तक तुम नहीं थी तो दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। गौरैया और चींटी अपने अपने घरों में सुखपूर्वक दिन बिता रहे होते हैं कि गर्मियों का मौसम आ जाता है। एक दिन गौरैया जब दाना लेकर वापस अपने घोंसले में लौट रही होती है तो वह देखती है कि जंगल के एक हिस्से में आग लग गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है तो जंगल में इस तरह की आग लग जाना आम बात होती है। और जिस जंगल में गौरैया रह रही थी इस बार आग उसी जंगल में लगी थी। आग देखकर गौरैया बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है और जल्दी जल्दी उड़कर अपने बच्चों के पास अपने घोंसले में पहुंचती है। वह अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों जल्दी से हमें यह घोंसला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में आग लग गई है और बहुत तेजी से वह आग हमारे ही तरफ बढ़ती चली आ रही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यह घोंसला छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा, नहीं तो हम सभी इस आग में जलकर मर जाएंगे। ठीक है माँ, हम अपनी जरूरत की चीजें ले लेते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। इतना कहकर गौरैया और उसके सभी बच्चे उड़कर नदी की दूसरी तरफ सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। तभी गौरैया को चींटियों की याद आती है। वह सोचती है कि इस आग में चींटियां भी जलकर मर जाएंगी, इसलिए चींटियों की भी मदद करनी ही होगी। ऐसा सोचकर वह बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वापस जंगल लौटती है। रानी चींटी, तुम लोग जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दो, क्योंकि जंगल में आग लगी हुई है और अगर तुम लोग यहीं रहोगे तो सभी लोग जलकर मर जाओगे। हम कैसे इस जगह को खाली कर सकते हैं? हम कितनी भी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करें पर यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे पांव बहुत छोटे छोटे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि मौत ही हमारी किस्मत में लिखी हुई है, इसलिए गौरैया तुम अपने बच्चों के पास लौट जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। इतना बोलकर गौरैया कुछ सोचती है और उड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। जब वह वापस लौटती है तो उसकी चोंच में एक बड़ा सा कागज का लिफाफा होता है। गौरैया चींटी से बोलती है,
रानी चींटी, तुम सभी अब इस लिफाफे में आकर बैठ जाओ। मैं तुम सभी को इस लिफाफे में बैठाकर और अपनी चोंच में दबाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगी। इतना सुनते ही रानी चींटी अपनी सभी चींटियों को आदेश देती है और सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं और उस लिफाफे में आकर बैठ जाती हैं। जैसे ही सब चींटियां लिफाफे में बैठती हैं, गौरैया झट से उस लिफाफे को अपनी चोंच में दबाती है और जल्द से जल्द उड़कर सभी नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही चींटियां सुरक्षित जगह पर पहुंचती हैं, वह देखती हैं कि जंगल की आग उनके घर तक यानी कि उस पुराने बरगद के पेड़ तक भी पहुंच चुकी है। आग इतनी भयंकर होती है कि सब कुछ जलाकर राख कर देती है। सब कुछ जलता हुआ देखकर रानी चींटी गौरैया से बोलती है, गौरैया बहन, अगर तुमने सही समय पर हम लोगों की मदद नहीं की होती तो आज हम लोग भी उस आग में जलकर भस्म हो गए होते। अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। रानी, तुमने भी मेरी ऐसे समय पर मदद की थी जब मैं बिल्कुल मजबूर थी, तो तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने मेरे बच्चों को दाना पानी दिया और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। इसलिए आज जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो मैं कैसे तुम लोगों को इस मुसीबत में छोड़कर यहाँ से चली जाती। गौरैया की बात सुनकर चींटी गौरैया के गले लग जाती है और उसका बहुत धन्यवाद करती है। इसके बाद गौरैया और चींटी मिलकर अपना अपना घोंसला और कॉलोनी फिर से बनाते हैं और सुखपूर्वक नदी के दूसरे किनारे रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें सदैव अपने मित्रों और पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए।